अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त यासिर और इस वक्त हम जा रहे हैं मिरबत सलाला से। इस वक्त हम निकले हैं सलाला सिटी से और मिरबत तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है सलाला से। आई बिलीव 1 घंटा और कुछ मिनट्स इसमें लगते हैं और रास्ते बहुत ही ज़बरदस्त हैं, पहाड़ हैं, काफ़ी सारे छोटे छोटे शहर भी आते हैं बीच में। तो मैंने कहा क्यों ना इन रास्तों के भी जो है ना कुछ शॉट्स लेके आप लोगों को दिखाया जाए। तो हम जा रहे हैं बेसिकली मोहम्मद बिन अली के मज़ार मुबारक, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। हज़रत अली के स्पेशली जो है ना ये कज़न थे आई बिलीव। और मोहम्मद बिन अली जो कि ज़ैनुल आबिदीन के नवासे हैं बेसिकली, तो इनका मज़ार मुबारक आज हमने विज़िट करना है यहाँ मिरबत में। तो आए आप लोगों को ले चलते हैं मिरबत और मोहम्मद बिन अली का ये मज़ार मुबारक विज़िट कराते हैं कि ये मज़ार मुबारक बिन अली का किस तरह का है, जो कि पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में लोकेटेड है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो इस वक्त मैं आया हूँ यहाँ ज़ैनुल आबिदीन का जो नवासा है उनके कब्र मुबारक में, जो कि हज़रत अली के ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है, बल्कि इनका 7वां पीढ़ी जो है ना वो उनका ये मकबरा है। तो आए चलते हैं आप लोगों को विज़िट कराते हैं। तो दोस्तों ये जो लोकेशन है मुरबात का लोकेशन है, मुरबात के नाम से है, ये सलाला ओमान में लोकेटेड है और ये सारे कब्रें हैं यहाँ पर, एक कब्रिस्तान है। तो ये माशाल्लाह मज़ार मुबारक है, तो चलते हैं मज़ार का भी जो है ना हाज़िरी करते हैं इंशाल्लाह। ज़ियारत करते हैं इंशाल्लाह मज़ार का। तो ये माशाल्लाह जाना ये शजरा है, आप देखें मोहम्मद इब्न अली इब्न अलवी इब्न मोहम्मद, ये सारा माशाल्लाह इनका जो है ना अबू तालिब तक हुसैन, हाँ ये सारा आप शजरा माशाल्लाह पढ़ लें। बाकी माशाल्लाह ये मज़ार मुबारक है। ये माशाल्लाह मज़ार मुबारक है ज़ैनुल आबिदीन के जो है ना ये नवासे हैं ना। दोस्तों ये तमारा आज का वीडियो, मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, इजाज़त दें अपने दोस्त यासिर को। अल्लाह हाफिज़।